जनता पार्टी की पहले से नीति भी रही है, चाहे उत्तराखंड हो छत्तीसगढ़ हो, कि भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र सरकार थी, जब ये राज्य बने थे, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, और कहीं ना कहीं मैनेज करने में मुश्किल आती है इतने बड़े राज्य के। हमारा हाईकोर्ट 725 किलोमीटर दूर है दोस्त, लाहौर हाईकोर्ट हमसे नज़दीक है जहाँ खड़े हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट हमसे दूर है। सस्ता सुलभ न्याय ये भी हमेशा से सबको मिलना चाहिए, तो सबकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का, तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने, तो जनता की, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। क्षेत्रफल क्या होगा, कौन कौन से? नहीं नहीं, देखे ये तो बाद का प्रश्न है, ये तो वो लोग तय करेंगे जब ऐसी नौबत आएगी, जब ये देखा जाएगा। मैंने तो वो कहा है जो लोग चाहते हैं, या मैं भी चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो दिल्ली के चारों तरफ। इसकी खूबसूरती यह है कि सबसे अच्छा पानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छी भूमि हमारे पास है पश्चिम उत्तर प्रदेश आकर देखेंगे, और दिल्ली के पास है, एक विकसित राज्य पूरी बनने की पूरी संभावना है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा देश है। अगर आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादातर रेवेन्यू वेस्टर्न यूपी से ही आता है। देखिए, अब एम्स है, हमारे उत्तराखंड को एक एम्स मिला ऋषिकेश में एम्स है, उत्तर प्रदेश को एम्स मिला गोरखपुर में है। आप जा सकते हैं गोरखपुर? नहीं जा सकते, आप दूसरे प्रदेश में उत्तराखंड जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को भी वही मिलेगा एम्स, उत्तराखंड को भी मिलेगा। अगर केंद्र सरकार की योजना होती है हर प्रदेश को एक दे दो योजना, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, छोटे प्रदेश वहाँ फायदे में रहते हैं, तो एक अच्छा प्रदेश अगर छोटा प्रदेश बनेगा तो सबको सुविधाएं भी बेहतर मिलेगी, सबके लिए अच्छा होगा।